खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की पत्नी से दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके डॉक्टर पति के साथ मारपीट भी की। आरोप है कि दबंग ने साथियों के साथ मिलकर महिला को जबरन कार में खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान डॉक्टर पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलने पर जूनियर डॉक्टर मेडिकल थाने में धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा भी किया। क्या घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था, थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर सुमित कुमार साहब जो की डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में, अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे बदतमीजी की, मारपीट की, उनके ऊपर पत्नी के साथ छेड़खानी की, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी इसमें सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। सर क्या नाम है मुजरिम का, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? उसका नाम टिंकल है और केस अभी दर्ज हो रहा है, उसमें बहुत सारी धाराएं लगी हुई है। ये टिंकल का विवाद किससे हुआ था और किस बात को लेकर हुआ था? ये डॉक्टर साहब से हुआ था, डॉक्टर सुजीत नाम है शायद उनका, उनके खिलाफ उनसे ही झगड़ा किया था, उनकी वाइफ के साथ छेड़खानी किया था, उसका मुकदमा दर्ज किया। थैंक यू। ये हमारे यहाँ जो है वो कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम जब खत्म हो गया उसके बाद जो है वो लड़की है वहाँ पे पीजी कर रही है, वो उसके हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो उसके साथ जो है ये जो लड़का था उसने छेड़छाड़ की और कुछ मारपीट की, कुछ गली गलौज की और वहाँ से भाग गया। फिर जो है वो किसी तरह से जो है किसी और लड़कों ने पकड़ा उसको, यहाँ पे पुलिस थाने ले आए और तो हमारे जो लड़के थे वो थोड़ा इंसिडेंट थे कि उन पर कुछ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने पकड़ के दिया है लेकिन उन लोगों ने छोड़ दिया गया पहले, तो इसलिए वो थोड़े लड़के इंसिडेंट थे। फिर मैं आ गया हूँ और इन लोगों ने उसके लिए एफआईआर लिख रहे हैं, लड़की ने इसके ऊपर छेड़छाड़ इसमें किया था, उसने जो है वो किया है लिख करके तैयारी और अभी उसकी एफआईआर हो रही है और लड़कों का भी हमने समझा बजाती है और पुलिस हमको हमने ये आश्वस्त किया है कि हम इसके ऊपर पूरी की जो कार्रवाई है जो धारा लगा है लगा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या इससे पहले भी युवक ने कुछ, इसके पहले भी कई बार इस तरह घटनाएं हुई है कैंपस में और अभी जो है सीओ साहब आए हैं उनसे ये बात हुई है कि एक हमारी मेडिकल कॉलेज की टीम बनेगी और इनके साथ रेगुलर बैठक करेगी और जो जो पुलिस से संबंधित जो व्यवस्थाएं यहाँ पे कैंपस बनानी है वो बनाई जाएंगी और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो लड़कियों लड़कों और हमारे कल हॉस्टल्स बॉय हॉस्टल्स की जो समस्याएं हैं जो बाहर के तत्व आते हैं यहाँ पे उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई करते हुए और प्रभावी कार्रवाई करेंगे जिससे जिसके दोबारा। थैंक यू। और काफी दिनों से परेशान कर रहे कौन लोग थे वो? ये पिंकल गुजर नाम का एक आदमी है, उसके साथ चार पांच लोग और थे। डॉक्टर साहब पैसे से कौन है? मुझे नहीं पता पैसे से क्या है, मुझे परेशान कर, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ जी, यहाँ पे मैं सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। कौन सा हॉस्पिटल? और नहीं एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। सर गोल्ड मेडल किस बात को लेकर हुई? झगड़ा वो बार बार परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे मेरी बीवी के साथ और आज मेरे साथ जानलेवा हमला किया। क्या नाम है उनका? किसका? पिंकल गुज्जर।